वेलकम बैक हमारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज एक न्यू गेम प्ले सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है जिसका नेम है कार फॉर सेल सिमुलेटर गेम। एंड ये वाला गेम काफी सारा फैन गेम प्ले करता है, तो इसलिए काफी सारा फैन कमेंट भी कर रहा है कि ये वाला गेम प्ले सीरीज लेके आओ। तो फाइनली हम लेके आ चुके हैं न्यू कार फॉर सेल सिमुलेटर का फुल गेम प्ले सीरीज। तो पीसी के अंदर तो आप लोग गेम प्ले देखा ही है, बट हमने खेलने वाला है मोबाइल के अंदर, क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर ये गेम आ चुका है, तो हम भी इसको खेलने वाला है। तो इस गेम के अंदर कुछ स्टोरी कुछ ऐसा है कि बहुत सारा पैसा तो नहीं है, सिर्फ 7500 डॉलर है। इतनी पैसे की मदद से हमको सेकेंड हैंड कार मतलब कस्टमर से खरीदना है और उस सभी कार को मॉडिफाई करके सेल करना है, और इसी तरीके से हमको इस गेम के अंदर सर्वाइव करना पड़ता है और बहुत अमीर बंदा बनना पड़ता है। तो अभी इधर से कुछ ऐसा हमको शोरूम देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हमको ये सब चीज क्लीन करना पड़ता है, और ये सब चीज क्लीन करने के बाद ही ये शोरूम को हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो हम जल्दी से ये सब चीज को क्लीन करते हैं। अभी कुछ इधर से ये सब चीज भी इधर लगा हुआ है, तो इसको भी हमको अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा, मतलब हमारे जो शोरूम को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही इसके अंदर हम लोग बहुत सारा कार आके लगा सकते हैं और इसको सेल भी कर सकते हैं। फाइनली अच्छा सा इधर से क्लीन भी कर दिया हूँ, और इधर से कुछ टूल्स देखने को मिल रहा है साइड में। तो ये टूल्स के अंदर क्लिक करने के बाद क्या इधर से मतलब हथौड़ा और इधर से क्लीन करने का कुछ आइटम और ऐसे करके कुछ आइटम देखने को मिला। हमको ये सब चीज भी अनलॉक करना पड़ेगा, ऐसे करके बहुत सारा चीज हमको देखने को मिला। अभी तो इधर से ओपन कर चुका हूँ, बट जैसे हमारा कार फॉर सेल इधर से शोरूम का नेम है, बट आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन का सजेस्ट कर दो कि हमारा जो ये शोरूम का नेम क्या रखा। अभी नॉर्मली इधर से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको शोरूम का नेम थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो हम मतलब अपग्रेड नहीं कर सकते कुछ भी चीज। तो ऐसे ही हम नेम रखते हैं, कुछ भी मॉडिफाई नहीं करते, थोड़ा इधर से बड़ा करते हैं और इधर से $10 देके इधर से परचेस कर लेते हैं। इधर से चलते हैं बाहर, और इसके अंदर कुछ भी काम नहीं है। अभी हमने थोड़ा बहुत अपडेट कर लिया, अभी शोरूम को ऑफ करते हैं और थोड़ा बहुत कार परचेस करके देखते हैं कार कहाँ मिलता है। और सबसे पहले हमको थोड़ा बहुत बस स्टॉप देखने को मिल चुका है, तो इधर कार मार्केट है और नेबरहुड भी है, तो नेबरहुड पर चलते हैं, तो इधर से कुछ कार मिल सकता है। और हमने थोड़ा बहुत गेम प्ले भी देखा है, इसी के अंदर टेक्नो कुमार भाई ने खेला था तो वही वीडियो हम देखा है। तो अभी इधर से कुछ कार देखने को मिला है और BMW इधर रखा हुआ है, तो देखते हैं इस BMW का प्राइस कितने आ रहा है। और भाई साहब कितने प्राइस दे रहे हो, सबसे पहले मेरे को दिखा दो थोड़ा बहुत। हमको इधर चाहिए $7100 है, ठीक है, हम इसको आराम से परचेस कर सकते हैं और बार्गेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्किल पॉइंट अनलॉक नहीं है, तो अनलॉक कर लेंगे। अभी हमारा फास्ट कार है BMW इस मतलब गेम के अंदर, तो इधर से थोड़ा बहुत हम लोन ले लेते तो सही होता, क्योंकि लोन ले लेंगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस करना बहुत हार्ड हो जाएगा। लोन हम लोग ले सकते हैं इस गेम के अंदर भी। और जैसे इंजन स्टार्ट करते हैं, भाई साहब कितने लाउड साउंड है यार, बहुत लाउड साउंड है। लाउड साउंड कम करने का कोई चीज़ है क्या? नहीं तो मेरे को लगता है कि नहीं है, पर जो भी है इधर से इस कार को हम लेके चलते हैं हमारा शोरूम पर। एंड फाइनली हम आ चुके हैं हमारा शोरूम पर, एंड इस कार को भी अच्छे से प्लेस करते हैं, इंजन बंद करके उतरते हैं, एंड इस कार को भी सेल पर लगाते हैं। उससे पहले हम थोड़ा बहुत लोन ले लेते हैं। सबसे पहले इस कार को सेल पर लगाते हैं, इधर से सेल पर आने के बाद हमने BMW का सीरीज 1 का कार खरीदा, और इधर से कुछ मतलब नोटिफिकेशन देखने को मिला जो भी है इधर से हमको कितना में लगाना चाहिए। इसको लेके 7100 में इसको हम 20000 के अंदर लगाते, देखते हैं 20000 के अंदर देखते हैं कितना में सेल होगा। बट इधर से बोला कि 20000 के अंदर नहीं होगा, तो इसको हम कम कर सकते हैं 15000 के अंदर। तो 15000 के अंदर लगाते हैं और फुटन सेल के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद इधर से बैंक ले लेते हैं, आरए बैंक के अंदर से थोड़ा लोन ले लेते हैं, तो देखते हैं कितना हमको लोन मिलेगा। इधर से बोल रहा है कि 5000 तक से लोन मिलेगा, क्यों इतना कम क्यों नहीं, अभी लोन ले लेंगे, एक कार सेल करते हैं उसके बाद देखते हैं हम लोन ले सकते हैं कि नहीं। तो अभी तक से भाई साहब अभी कार को सेल पर लगा, इतने सारा कस्टमर आ चुका है, तो अभी पहले आप कितना में दे रहे हो, तो ज़्यादा पैसा चाहिए। और भाई साहब कार बहुत ज़्यादा डैमेज है, 15000 के अंदर लगाया, एंड ये भाई 15000 के अंदर ही ले रहे भाई, खतरनाक। तो आप लेके जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, और अंदरा भी हो चुका है, अंदरा हो गया ना, हाँ अंदरा हो गया। तो अभी हमको सोना के लिए जाना पड़ेगा हमारा घर पर, और अभी देखते हैं लोन ले सकते हैं कि नहीं। इधर से फिर से चलते हैं इधर, और इधर से हाँ इधर से $46,000 हम लोन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो $15,000 आया, तो $15,000 की मदद से और एक कार खरीद कर लाए, उसके बाद लोन ले, नहीं 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 इतना लोन दे रहे तो हम इतना ही ले लेते हैं। बट उससे पहले हम जाते हैं घर सोने के लिए, इधर से बस से जाने वाले, और जैसे कंटेनर पर चलते हैं क्योंकि हमारा अभी घर नहीं है, वही हमारा छोटा सा एक घर है, और उधर से हमको सोना पड़ेगा, छोटा सा कंटेनर है, और इधर से बोला है कि हमको इधर सोना पड़ेगा, गेट ओपन करके सो जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुका है और अभी गेम रेटिंग देने के लिए बोला है, काफी अच्छा गेम है। ग्राफिक्स के ऊपर बात करें तो थोड़ा ग्राफिक्स अच्छा नहीं किया है, बट अपडेट अभी भी कर रहा है गेम के अंदर, और अपडेट करके बहुत अच्छा खासा चीज किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली हमारे ऑफिस पर, और ऑफिस पर सॉरी जा रहा हूँ, ऑफिस पर क्यों जा रहा हूँ, इधर से हमको जाना पड़ेगा कार मार्केट पर। अभी कार मार्केट ओपन है, कार मार्केट से मतलब 15000 रुपया का अंदर कोई अच्छा वाला कार मिल जाए तो सही है, उधर से हम एक परचेस कर लेंगे। और हमने फाइनली आ चुके हैं कार मार्केट पर, और काफी अच्छा चक्का देखने को मिला है, इधर से ऑडी देखने को मिला है, इधर से एक BMW देखने को मिला है, ये भी ऑडी है और ये BMW, ये ऑडी भाई साहब, और इधर से मिल चुका है सुप्रा, और कितना प्राइस दे रहे हो वो बहन जी, 75,000, काफी हाई है, बट हम इधर से अभी परचेज नहीं कर पाएंगे, अभी हमारे पास 15,000 है। और ये कौन सी कार है, काफी अच्छा कार है, बट प्राइस कितने लेने वाले हो भाई,
इधर से प्राइस, ओ भाई 4 लाख। इधर क्या है, फरारी है वो भाई साहब, फरारी है ये। बट हम एक दिन परचेस करेंगे फरारी, 4 लाख का ही ले रहा है बट बाद में ले लेंगे। और इधर से काफी सारा, इधर से लैम्बोर्गिनी आ चुके हैं, बट हमने जो BMW है, इस BMW का प्राइस देखता है, इसको परचेस करते हैं सीरीज वन का, मतलब 9000 के अंदर, 9000 के अंदर, 1000 है, 7000 के अंदर परचेस किया था जो सीरीज वन का। और उसके अंदर डैमेज वैमेज कितना है वो हमको अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी देख लेते हैं कार के अंदर डैमेज कितना है। भाई कार जी दिखा दो, ये भाई साहब 71% डैमेज है, मतलब सब कुछ डैमेज है यार, हमको ठग लिया। पिछले वाली कार के अंदर 7000 के अंदर लिया था और ये 9000 के अंदर लिया, और काफ़ी ज़्यादा भी डैमेज है। तो देखते हैं अभी ये कितना में सेल होगा, बट इतना लॉस हो गया, हाँ लॉस हो गया, बट कोई बात नहीं, अभी इसको भी सेल पर लगा देंगे, $100 भी प्रॉफिट हो जाए तो इस कार के पीछे काफ़ी अच्छा है। तो अभी चलते डायरेक्ट हमारा शोरूम पर। दोस्तों हम आ चुके इधर से ड्रैग रेसिंग करने के लिए, मैं सोचा कि नहीं शोरूम पर नहीं जाऊंगा, इधर से थोड़ा बहुत ड्रैग रेसिंग करके आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा इधर से कलेक्ट कर सकते हैं। और इधर से कार आ चुका है, जो इधर से कौन सा कार है और ये क्यों क्लिक नहीं हो रहा है, इधर से कार, ओ भाई साहब कार बहुत डैमेज है, इसलिए बोल रहा है कि कार बहुत ज़्यादा ब्रेक है, इसलिए हम इधर से कार रेसिंग नहीं कर सकते हैं। तो 71% डैमेज है वाला कार, तो कोई बात नहीं, इधर से हम लोग ड्रैग रेसिंग भी कर सकते हैं। इस कार को सेल करके कोई अच्छा वाला कार परचेस करेंगे जब लोन पर लेंगे कोई कार। तो फाइनली हम शोरूम पर भी आ चुके हैं और देखते हैं अभी लोन कितना ले सकते हैं। उधर से लोन कितना दिखा था, 64000, अभी 18000 हो चुके, देख सकते हो हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही हम लोग लोन ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत कम पैसा है, इसलिए हम इतना सारा लोन नहीं ले पाएंगे। 9000 के अंदर परचेस किया और काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, इसको हम 20000 के अंदर लगा के देखते हैं सेल होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट देखते हैं 20000 का लगा के। और अभी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा कस्टमर की, और देखते हैं कोई कस्टमर बाहर आ गया नहीं आया। तो पिछले वाली कार के अंदर काफी अच्छा खासा कस्टमर आ गया था, जैसे ही लगाया ऐसी कस्टमर आ गया, और हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखते कोई कस्टमर आता है कि नहीं और कितना में कार सेल होगा। दोस्तों हम काफी टाइम वेट कर लिया बट एक भी कस्टमर नहीं आया, हमको लग रहा है कि कार बहुत ज्यादा डैमेज है, इसलिए ये वाला कार मतलब सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, कोई भी कस्टमर खरीद के लिए नहीं आ रहा है। तो इसलिए इसको रिमूव करते हैं सेल से और इसको रिपेयर करते हैं, कितना पैसा लगने वाले आई डोंट नो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, 71% डैमेज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। इसको हम रिपेयर जल्दी कर लेते हैं, देखते हैं कितना पैसा लगने वाला है रिपेयर शॉप पर जाके। और एक कार का साउंड बहुत लाउड है, एंड हम इधर से रिपेयर शॉप पर भी आ चुका है, भाई साहब कितना पैसा लेने वाला है कार को रिपेयर करने में, ओ माई गॉड $1400 लगने वाला है भाई, कर दो कोई बात नहीं, और काफ़ी टाइम लगने वाला है। और थोड़ा हम जंकयार्ड से भी घूम के आते हैं, जंकयार्ड के अंदर कुछ पैसा मिल जाए तो सही होगा, इधर से कुछ कार तोड़ सकते फोड़ सकते क्या। तो इधर से काफ़ी सारा कार है जो हम इधर से कलेक्ट कर सकते हैं, बट इधर से हमको कुछ कार का पार्ट्स मिल रहा है, इस पार्ट्स को हम थोड़ा कलेक्ट करते हैं और इस पार्ट्स को भी हम सेल करने वाले हैं वही भाई साहब को। और इधर से कुछ पार्ट्स है, ये क्या चीज़ है हमको मालूम नहीं है, और इधर क्या है, ये पत्थर है क्या, ओके पत्थर है, और क्या चीज़ है, और क्या क्या है, और कुछ भी नहीं है, दो चीज़ मिला और आप ले लो, $40 मिल गया इसका सामान, इसको सेल कर दिया, कोई बात नहीं अभी चलता है। तो कितना ज़्यादा कार रिपेयर हुआ है अब थोड़ा चेक करके देखते हैं कितना पास, इधर से कौन, ये कौन सा कार है, ये हमारा कार नहीं है, कोई अलग सा भाई का कार रिपेयर कर रहा है। और भाई साहब आप कितना में होने वाला है, ओ भाई साहब से इधर से 36% हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है तो थोड़ा वेट करते हैं। तो फाइनली कार रिपेयर हो चुका है, काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फुल्ली रिपेयर हुआ, और भी कुछ भी नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली सेल पर लगाते हैं, पेंट फेंट और मॉडिफाई कुछ भी नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट हो चुका है, हमको पता नहीं इतना सारा पैसा आएगा या नहीं, पर जो भी है आए तो सही है और नहीं आए तो नुकसान हो जाएगा हमारा। तो इसको सेल पर लगा दे जल्दी से, तो हमने सेल पर लगा दिया, अभी देखते हैं कस्टमर आता है कि नहीं, क्योंकि इसको रिपेयर तो कर लिया हूँ और इसको क्लीन फ्लीन कुछ भी नहीं किया और पेंट भी नहीं किया, क्योंकि क्लीन और पेंट करने के बाद और भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता। और फाइनली एक कस्टमर आ चुका है और अंधेरा होने में से 1 घंटा बचा है इस गेम के अंदर, और भाई साहब आप कितना पैसा देने वाले हो, जैसे 25000 का लगा 12000 देने वाले, तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है, थोड़ा ही प्रॉफिट मिल रहा है, 9000 के अंदर ले आया, इसको रिपेयर करने में $1400 खर्च हो गया, 2500 के ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका है, तो थोड़ा बहुत हम आ जाएगा पैसा, तो इसको सेल करते हैं, जाओ लेके जाओ कार, फाइनल तो सेल हो चुका है, $17000 आ चुका है। तो अभी देखते हैं लोन जो ले सकते हैं कितना ले सकते हैं, $50000 तक हम लोन ले सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी थोड़ा बहुत बैंक का चल के देखते हैं इधर से कितना पैसा ले सकते हैं लोन के मदद से, हाँ इधर से 52000 ले सकते हैं, तो आज लोन नहीं लेंगे, कार ले इधर से $17000 का एक कार लेके आएंगे, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर सेल करेंगे, उसके बाद लोन लेंगे, उसके बाद लोन लेने के बाद क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा और ज़्यादा मतलब इधर से प्रॉफिट कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा कार भी परचेस कर सकते हैं, तो इसलिए हमको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह हो चुका है, चलते हैं फाइनली, अभी कार ऑक्शन ओपन है, ओके कार ऑक्शन ओपन है, और जैसे कार ऑक्शन के अंदर भी हम अच्छा खासा कार परचेस कर सकते हैं, इधर से कहाँ का कार ऑप्शन कुछ भी नहीं है इधर से, तो हमको ऑफिस पर ही जाना पड़ेगा, ऑफिस पर नहीं नेबरहुड पर चलते हैं, तो उधर से कुछ अच्छा खासा कार मिल जाता है। तो इधर से 11 बजे कार ऑप्शन स्टार्ट होने वाले, तो इतना देर वेट करना मतलब इधर से पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम चलते हैं नेबरहुड पर, नेबरहुड से एक दो कार हम परचेस करके लाएंगे। और इधर से एक BMW का सीरीज है, BMW का कौन सा सीरीज 1 है क्या,
ओके सीरीज वन है, हम परचेज नहीं करेंगे। 9000 का या 8000 का आ रहा है और कितना डैमेज हमको मालूम नहीं है। थोड़ा अच्छा हाई प्राइस वाला देखते हैं। और इधर से ये वाला कार का प्राइस कितने आ रहा है, इधर से डॉज लग रहा है हमको ना, ये कोडा है तो कोडा का प्राइस $26,000। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है मैडम जी। इधर से एक BMW का सीरीज वन का मॉडल है, ये भी 8-9 हज़ार का अंदर आ जाएगा। इधर से सुपरा है जो काफी हाई प्राइस है, जो हम अभी नहीं ले सकते हैं। और इधर से ये कौन सी कार, ये भी सीरीज वन का BMW का सीरीज वन है क्या, नहीं ये कोई अलग सा कार है, तो देखते हैं ये पैसा कितना ले रहा है। इधर से आंटी जी कितना लेने वाले हो कार के पीछे पैसा, भाई 2000 का नहीं लेंगे यार, काफी लो प्राइस है। इतना लो प्राइस का कार खरीद के हमारा प्रॉफिट तो नहीं होगा। ओके इधर से ऑडी है, ऑडी TT, और ऑडी TT का प्राइस मैडम जी कितना में ले रहे हो, मैडम जी आप कहाँ देख रहे हो। ओके 18,000 का अंदर आ रहा है, तो बार्गेन नहीं कर सकते, नहीं तो कम कर सकते थे आराम से। और इधर से एक ऑडी Q7 है, इसका प्राइस कितनी है, 9000 का। ओके 9000, तो 9000 का अंदर ले ले क्या, ओके ले लेता है। और इसका कंडीशन कितना है, अच्छा है हमको अभी भी मालूम नहीं है, जब परचेस कर लूंगा तब हमको पता चलेगा कार का कंडीशन कितना अच्छा है। तो बाय कर लेता है, बार्गेनिंग का कोई भी ऑप्शन हमको अभी अनलॉक नहीं किया। और अभी स्किल पॉइंट अनलॉक करने के लिए काफी ज्यादा XP चाहिए, तो अभी देखते हैं। ओके नहीं 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 फिर से उतरो यार, सबसे पहले देखते हैं कार का कंडीशन कितना खराब है, तो देख लेते रुक को जरा। ओ भाई साहब बहुत ही ज्यादा अच्छा कंडीशन है, 0% डैमेज है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम टो कर देते हैं, मतलब मैं रिस्क नहीं लूंगा, टो कर देंगे फुल्ली। और टो करने के बाद क्या होगा, हमारा डैमेज नहीं होगा, फुल्ली टो हो चुका है, रिपेयर शॉप पर, रिपेयर तो कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि 0% डैमेज है। और हम जाने वाले बस से, थोड़ा पैसा है तो $10 लगने वाला है बस से जाने के लिए, तो आराम से चला जाएंगे। और इधर से $7,000 अभी है हमारे पास, तो BMW का ये 8,000 का आ रहा है, तो ठीक है कुछ ट्राई करते हैं कितना का देने वाले, 7,000 के अंदर आ जाए तो सही होगा। बट 11,000 का दे रहा है, नहीं भाई आप मतलब रखो यार, कोई बात नहीं, चलते हैं अभी शोरूम पर चलते हैं, उसको सेल करेंगे, काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। बट ये भी 9,000 का अंदर आ जाएगा, 7,000 के अंदर कोई भी नहीं देगा। तो चलते हैं, तो हम तो ऑफिस पर आ चुके हैं, भागते भागते चलते हैं। जो हमारा रिपेयर शॉप पर एक ऑडी Q7 है, हाँ वो खड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छा खासा कंडीशन के अंदर है, फाइनली मिल भी गया बहुत ही ज्यादा अच्छा कंडीशन के अंदर। तो इसको सेल पर लगाते हैं और देखते हैं कितना प्रॉफिट मिलता है। ओके फाइनली इधर से अच्छे से प्लेस भी कर दिया, बट जैसे कुछ कचरा फेंक के गया, कौन फेंक के गया, इधर से हमको भी क्लीन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपडेट के अंदर एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं और एम्प्लॉय काम करने वाला है नेक्स्ट अपडेट के बाद, गेम के अंदर काफी अच्छा अपडेट आने वाले नेक्स्ट अपडेट जब आएगा। तो अभी इस कार को अच्छे सेल पर लगाते हैं, और नेक्स्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं फुल डिटेल के अंदर वीडियो बना दूंगा, दिक्कत मत लेना। तो अभी इधर से कितना में खरीद कर लाया, 9600 में, तो इसको हम लगाते हैं 30,000 के अंदर, कितना पैसा मिलेगा आई डोंट नो, बट पुट इट सेल के अंदर लगाते हैं और देखते हैं इतना ये वाला कार कितना पैसा के अंदर सेल होता है। पर जितना भी सेल होगा जब हम आज लोन लेंगे, काफ़ी अच्छा खासा लोन ले सकते हैं। अभी स्किल पॉइंट हमारा अनलॉक कर सकते हैं एक, ओके स्किल पॉइंट एक मिल चुका है, हम बार्गेनिंग का स्किल अनलॉक करेंगे, क्योंकि बार्गेनिंग कर सकते तो काफ़ी अच्छा पैसा हाई मतलब बढ़ा भी सकते और कम भी कर सकते हैं बार्गेनिंग करके। तो हमने उसको स्किल को थोड़ा अनलॉक कर लिया, अभी और भी दो जो लॉग लगा हुआ है इसको भी हमको अनलॉक करना पड़ेगा ऐसे करके। इधर से एम्प्लॉय का भी लॉग लगा हुआ है जो नेक्स्ट अपडेट के अंदर अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक कर सकते हैं। इधर से स्पॉन्ज का भी चीज़ है जो हम कार को साफ कर सकते हैं, ऐसे करके काफी सारा चीज़ है जो हम थोड़ा थोड़ा करके अपडेट कर सकते हैं स्किल पॉइंट के मदद से। ओके एक बहन जी आ रहा है कार खरीदने के लिए, बहन जी है ना या नहीं, नहीं ये बहन जी नहीं, एक सैर आ चुका है। तो सैर आप कितना पैसा देने वाले इस कार के लिए, ये कार फुल्ली क्लीन कार है, बहुत ही अच्छा कार है भाई। 8,000 कहाँ से आए हो, हाँ भागो इधर से भाग जाओ, बार्गेनिंग कुछ भी नहीं करेंगे, भागो भागो इधर से, आ चुका जेब में पैसा नहीं है, 9,000 के अंदर मैं खरीदा 9,600 में और ये दे रहा है कि 8,000 दे रहा है, हाँ क्या बंदा है। ओके कोई बात नहीं, हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितना पैसा में सेल होता है। बट इतना पहला कस्टमर इतना लो प्राइस दिया, क्यों के दिया इस कार के पीछे, मतलब ये कार इतना खराब है क्या है, तो फुल्ली क्लीन कार है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, मतलब फुल्ली बहुत ही स्मूथ कार है, मैं और क्या बताऊंगा। बट जो भी है ये भाई साहब कितना देने वाले हैं भाई साहब, ओके 11,000 दे रहा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं मिला, करीब 2,000 तक हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। बार्गेनिंग करके इसको 12,000 कर सकते हैं क्या, 12,000 ओके 12,000 एक बार, ओ नहीं 12,000 करेंगे ज़्यादा नहीं यार, 12,000 के अंदर देखते हैं भाई, दे दो दे दो दे दो दे दो पैसे दे दो, नहीं कर रहा है कम। ओके 11,500 में, 11,500 में दोगे और 11,500 अरे 11,500 में दे दो 500 में, नहीं नहीं रुको 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 रुको, एक कस्टमर आ चुका है, इसको देखते हैं कितना पैसा दे रहे हैं, उसके बाद आपको ऑफर देंगे। भाई आप कितना पैसा देने वाले हो, ओ नहीं भाई 9,000 दे रहा है, इसको डॉन लगाते हैं और इसको हम 11,500 में ट्राई करके देखते हैं, मिल जाए तो सही है और भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी टाइम आ चुका है। 11,500 में आप दे दो, ऑफर करते हैं इसको, ऑफर हो जाए
ऑफर तो हो चुका है, बड़ा हाँ थैंक यू कर चुका है, फाइनली सेल हो चुका है। अभी हमारे पास $19,000 आ चुका है, तो हम अच्छा खासा लोन ले सकते हैं इधर से बैंक की मदद से। तो करीब करीब 7,000 तक लोन आ जाए तो काफी अच्छा होगा, और काफी ज्यादा इधर से हम अच्छा खासा हाई प्राइस का कार खरीद सकते हैं। तो देखते हैं इधर से, ओके इधर से दे रहा है कि सेवन कितना दे रहा है, 57,000 डॉलर दे रहे हैं। तो 57,500 डॉलर हम इधर से बाई करते हैं, मतलब लोन लेते हैं, और देखते हैं इधर से लोन वेटिंग में है और अप्रूव भी हो चुका है फाइनली। और एक बार ले सकते हैं, नहीं नहीं एक बार ही ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा हमारे पास आ चुका है इधर से। 76,000 डॉलर हमारे पास अभी हो चुका है। सबसे पहले हमको लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, लैपटॉप हमारे पास है, मतलब हमको टैब खरीदना पड़ेगा। टैब के अंदर हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा काम, तो इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं रेड बार पर। रेड बार पर जाके भी हम अच्छा खासा पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। रेड बार पर अभी जा रहे हैं सुबह, मतलब अभी सुबह जा रहे हैं, बट हम रात के टाइम जाते तो सही होता है, रात हो चुका है या 3 बज चुका है। तो इधर से वो बंदा है क्या इधर, हाँ वो बंदा है जो इधर से टैब भी मतलब सेल करता है, तो इधर से इसके पास आना पड़ेगा। और इधर से काफ़ी काफ़ी अच्छा चीज़ दे रहा है, 1,500 के अंदर टैब मिल जा रहा है। और इधर से कुछ चीज़ लॉग लगा हुआ है जो अभी कमिंग से लिखा रहा है, कब अनलॉक होगा आई डोंट नो, बट इधर से हमको एक टैब खरीदना पड़ेगा। और फाइनली हमने खरीद भी लिया, और देखते हैं इधर से टैब का आइकन कहाँ पर है, और इधर है, ओके इधर है। और इधर से काफ़ी सारा चीज़ देखने को मिल चुका है, सब कुछ हम इधर से कर सकते हैं जो हम पीसी के अंदर करते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ कर सकते हैं, तो सही चीज़ है। तो अभी हम चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि अभी 3-4 बज चुका है, तो डायरेक्टली चलते हैं सोने के लिए। अभी काम नहीं है हमारा ऑफिस पर भी कुछ भी जगह, और अभी इसलिए हम आ चुके हैं सोने के लिए। तो सोने के बाद हो सकता है नेक्स्ट डे कार मार्केट ओपन हो जाए, कार मार्केट के अंदर जाके थोड़ा बहुत कार ढूंढेंगे तो और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है, तो हो सकता है काफ़ी अच्छा खासा कार भी मिल जाए, इसलिए काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट डे भी हो चुका है, और अभी कार ऑक्शन ओपन है, ओके हम आज कार ऑक्शन करते जाने वाले हैं। उससे पहले हमको एक छोटा सा कार परचेस करना पड़ेगा, छोटा सा कार परचेस नहीं करेंगे, एक बड़ा सा कार परचेस करेंगे ऐसे ऑडी बड़ी, और उसको सेल करने के बाद हम और भी ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी $75,000 हो चुका है। इसको सुप्रा लेने वाला है, सुप्रा को सेल करने वाला है आज, और ये सेल करने के बाद काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। उसके बाद हम कार ऑप्शन के अंदर काफ़ी अच्छा खासा चीज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अभी 75,000 इसको बार्गेनिंग करके ये भाई साहब नहीं, ये बहन जी दे रहा है कि 76,000 डॉलर दे रहा है, तो इसको 70,000 के अंदर एक बार ट्राई करके, 6,000 डॉलर कम करेगा, बट पता नहीं, बट इसको ट्राई करने में कौन जाता है। बट इधर से बोल रहा है नहीं देगा बोल रहा है, क्यों नहीं देगा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, कितना में दे रहे थे, 70,000 में नहीं देगा, तो इसको 72,000 एक बार ट्राई करके देखते हैं, 72,000 में देगा भाई। ये बहन जी बहुत गुस्सा हो चुका है, बोल रहा है कि इसको रेट कम नहीं करना है, तो इसलिए हमको और भी ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छा खासा सुप्रा मिल जगह था, बट हम उसको ले ही ले पाए। उधर से एक BMW है, और ये फरारी है क्या, ये कौन सा कार है, ये कौन सा कार है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब घटिया टाइप का कार लग रहा है, हाँ काफ़ी घटिया कार है। तो इसलिए चलते हैं थोड़ा आगे, एक सुप्रा और एक सुप्रा, हाँ और एक सुप्रा देखने को मिला, जैसे एक बहन जी है, और वो बहन जी का टाइप का ही इसको देखने को मिल रहा है। बट बहन जी आप कितना लेने वाले, ये लेने वाला है 70,000, ओके वो 76 ले रहा था, ये 70,000 है, ओके इसको बार्गेन करके 2,000 से कम करते हैं, इसको 68,000 में ट्राई करके देखते हैं सेल, मतलब ये देगा या नहीं हमको ये कार। ओके हमको दे चुका है, तो और भी कम करना चाहिए था यार, कोई बात नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं सब। भाई साहब इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कार मिल गया, 0% डैमेज है, ये देख रहे हो। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या का, ओके इसके अंदर नोज लगा हुआ है जो हम बहुत हाई स्पीड पर जा सकते हैं, तो इसलिए हम चलते हैं सबसे पहले कार रेसिंग पर। और फाइनली हम आ चुके हैं इधर से कार रेसिंग पर, और देखते हैं इधर से कार रेसिंग बोलो, कार रेसिंग बोल सकते हो, ट्रैक रेसिंग बोल सकते हो। अब ये भाई साहब का कार कौन सा कार है, डॉज है, तो हम आराम से हरा सकते हैं, काफ़ी लो प्राइस दे रहा है, क्यों दे रहे हो, कार बाई कार नहीं लगाएंगे, देखते हैं कितना में दे रहा है, कितना में दे रहा है, नहीं दे रहा है, अच्छा खासा पैसा नहीं दे रहा है। ओ भाई साहब इधर से एक लैम्बोर्गिनी या फरारी है, ये कौन सा कार है, ओके ये फरारी है, 29,000 का लग रहा है, बट हमारे पास $7,000 से भी हमारे मतलब, इसलिए हम क्या इधर से परचेस करेंगे, इसके साथ एक ड्रैग रेसिंग करके देखते हैं। ओके हम इधर से कार रेसिंग पर आ चुके हैं, और कार रेसिंग तो स्टार्ट हो गया, बट जो कार ऑक्शन स्टार्ट होने वाला था वो रिफ्रेश हो गया, उधर से कार ऑक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा, और देखते हैं हम जीत सकते हैं कि नहीं। थोड़ा बहुत हमको पता है इधर से हमको इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट हो चुका है, गियर अप करते हैं, गियर अप और गियर डाउन मेन बात है इस कार रेसिंग के अंदर, या डार्क रेसिंग बोल सकते हो। और हम इधर तो आ चुके हैं, देखते जीत पाते हैं कि नहीं, हमारे पास इधर से काफ़ी अच्छा खासा कार है, और इसके अंदर अभी रेसिंग किट लगा हुआ है, आई डोंट नो, आराम से जीत जाएंगे, ओके हम जीत चुके हैं, अब लग रहा है हमको,
देखते हैं विन। हाँ हम विन हो चुके हैं, थोड़ा बहुत पैसा हमको मिल चुका है, बट कोई बात नहीं। इधर से बहुत अच्छा खासा कार है हमारे पास है, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इधर से हमको पैसा भी मिल चुका है, वो भी देखते हैं और कौन सा कार है रेसिंग के लिए। और भाई साहब आप इतना देर वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी ये बहन जी 4000 के अंदर आ चुका है, तो इसको एक बार लगाते हैं। आई होप हो सकता है हम हार जाए, बट कोई बात नहीं, हार जाएगा तो कोई बात नहीं। बहुत हाई प्राइस वाला कार के साथ हम लगा रहे हैं, फरारी है, फरारी, हाँ फरारी है, जो 4 लाख के अंदर आएगा। और हमारा 70,000 का कार है, और देखते हैं जीत पाते हैं कि नहीं इसके आगे। और कुछ बात चल रहा है इधर से, ओके इंजन स्टार्ट करते हैं, और इधर से एक गियर अप करते हैं, आगे थोड़ा देते हैं, और गियर अप गियर डाउन मेन बात है, मैं पहले ही बोल दिया। अब लोग थोड़ा दिख मत, इधर से गलती करोगे तो आप जीत नहीं पाओगे। और इधर से हम आ चुके स्टार्टिंग पॉइंट पर, थोड़ा आगे चलते हैं। ओ, हमने हरा दिया 4 लाख का कार को, मैं हम हरा दिया हूँ भाई साहब। हमारा जो टॉप स्पीड है काफ़ी अच्छा स्पीड गया, 172 गया, और उसका भी स्पीड बहुत अच्छा था, बट वो हार गया हमारे सामने। हमने स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया था इसलिए हम जीत चुके हैं, और इसलिए चलते हैं अभी बाहर, देखते हैं और कोई कार आया है कि नहीं। बट हमारा इधर से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, और जैसे कोई भी कार देखने को नहीं मिला है तो इसलिए हम जल्दी भाग के चलते हैं। कहाँ जाएंगे अभी, कार मार्केट भी बंद है, कार ऑक्शन भी बंद है, तो हमको जाना पड़ेगा। ये कार को हम सेल करेंगे क्या, इतना खूबसूरत कार है, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है सबसे पहले इसको हम अभी के लिए रखते हैं, क्योंकि ड्रैग रेसिंग खेलने के लिए ये कार बहुत हेल्प करने वाला है। बट सोच रहे कि ये कार अभी नहीं रखते, क्योंकि ऐसा कार ऑलरेडी मिल जाता है, मतलब नेबरहुड से मिल जाता है, या कार मार्केट से भी मिल जाता है, कार ऑक्शन से भी मिल जाता है, इसलिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इतना रेयर कार भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको सेल कर देंगे। नहीं डैमेज नहीं था, डैमेज हो गया, यही दिक्कत है, हम इधर से बहुत कट ठोकते हैं। तो हम इधर से रिपेयर शॉप पर आ चुके हैं, क्योंकि 2% से डैमेज हो चुका है, तो इसको रिपेयर करना पड़ता है। एक भी डैमेज नहीं है इस कार के आगे, तो इसलिए हमको इसको फुल्ली क्लीन के अंदर सेल करना है। और काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा ही डैमेज हुआ इधर से, और इधर से रिपेयर भी हो गया, शुरू ना होते होते शेष हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम जल्दी से चलते हैं सेल पर लगाते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितना प्रॉफिट मिलता है। तो फाइनली हम इधर आ चुके हैं हमारा शोरूम पर इधर से कौन कचरा फेंक के जा रहा है, काफ़ी गंदगी इधर से बचा हुआ है। हाँ कौन जा रहा है, हमको पता चलेगा तो इसको धो डालूंगा, जो भी फेंक के जा रहा है, बट कौन फेंक के जा रहा है इधर से। ये हमको लग रहा है ये वाला घर का कोई आदमी आके हमारा इधर से फेंक के जा रहा है, क्योंकि ये तो कबाड़ा था और हमने इसको क्लीन किया, इसलिए इधर से अभी भी बहुत सारा भाई लोगों को या इस मतलब गेम का डेवलपर को पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, अभी इसको सेल पर लगाते हैं और देखते हैं कितना पैसा हमको मिलता है इस कार के पीछे। थोड़ा पैसा इधर से लग गया रिपेयर करने में, बट इधर से 68,000 के अंदर परचेस किया था इसको, 1,50,000, वो नहीं 1,50,000 के अंदर लगाते हैं। तो देखते हैं ये कितना में सेल होगा, तो इसको तो सेल पर लगा दिया, अभी थोड़ा टाइम हमको वेट करना पड़ेगा, रात होने में काफ़ी टाइम है, तो 2 बज चुका है, तो 8 बजे अंधेरा होता है इस गेम के अंदर, तो हमको अभी काफ़ी टाइम है। और फाइनली काफ़ी टाइम वेट करने के बाद 2 कस्टमर आ चुका है, एक मैडम जी आया हुआ है, एक भाई साहब आया हुआ है। तो मैडम जी को पहले देखते हैं, मैडम जी पहले आया हुआ है, तो मैडम जी आप कितना पैसा देने वाले हो, 1,50,000 का अंदर लगाया हूँ, और इधर से 75,000 देने वाले, ओके रुको जरा, वो भाई साहब कितना पैसा देने वाले हैं इधर से। इस कार के पीछे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, बट प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा हमको। ओ भाई साहब देख रहे हो 94,000 लग चुका है भाई, इसको 1 लाख कर सकते क्या बार्गेनिंग करके, नहीं ज़्यादा लालच बुरी वाला है बोलता है, इसको 97,000 एक बार ट्राई करेंगे, 1 लाख नहीं करेंगे, इसको 97,000 हो गया ना। तो भाई साहब देखते हैं भाई साहब लेता है कि नहीं, एंड हाँ ले चुका है, तो 1 लाख करता तो हो सकता है ले जाता, बट काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल गया हमारे पास, अभी $1,09,000 हो चुका है, मतलब सिर्फ एक एपिसोड के अंदर इतना पैसा हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं, समझ सकते। और ऐसे करके हमारा चैनल पर काफी सारे एपिसोड आने वाले हैं, तो समझ सकते हो हमारे पास कितना ज्यादा पैसा होगा और हम कितना अमीर बंदा बन जाएंगे। बट कोई बात नहीं, आपको ये वाला एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट कर देना। आई होप आपको ये वाला एपिसोड अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इस गेम के अंदर लाइक एम रखना है सिर्फ 100 लाइक। मैं किसी भी वीडियो के अंदर लाइक एम नहीं रखता हूँ, बट इस गेम के अंदर लाइक एम रख रहा हूँ, तो सिर्फ 100 लाइक जल्दी कंप्लीट कर दो, नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर भी काफी मजा आने वाला है, क्योंकि हमारे पास अभी हो चुका है $1,00,000 के ऊपर। और आप लोग ये गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर के अंदर भी सर्च कर सकते हो ये वाला गेम, और या आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी गेम का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेगा तो प्ले स्टोर के अंदर लेके जाएगा, तो जल्दी जाओ और इंस्टॉल कर लो और हमारे साथ गेम प्ले करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।